हमारे साथ वार्ड नंबर 145 से अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई मौजूद है। चलिए उनसे जानते किस तरह की उनके इलेक्शन की तैयारियां है, क्या कहना है। इलेक्शन की तैयारी क्या है, मैं जैसे बोलता हूं कि मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो आज तक जो भी है मैंने जितना काम किया हूं 2.5 साल में, वो काम बताया हूं पब्लिक को और फोटो पे और पेपर पे बताया हूं। तो जो चीज़ फोटो पे पेपर पे दिख रही है तो झुठला नहीं सकती। जब काम किया हूं, जो पिछले 10 साल नहीं काम हुआ उतना किया हूं। 150 गली, 11 रोड और 2 पानी की लाइन लाया हूं। 1 नगर सेवक कचरा पानी कटर उतना ही कर सकता है, उसको हटके भी हम लोग बहुत काम करते हैं। जैसे स्कूल की फीस हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, एम्बुलेंस फ्री दिए और राशन का, ये सब चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो अगर कोई मेरे से अच्छा करने वाला है तो मैं पब्लिक को बोलता हूँ बताना, मेरा वोट भी उसको दूंगा। ऐसा तो कोई अभी तक मिला नहीं। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस की अलायंस नहीं हुई है, बीजेपी शिवसेना भी अलग अलग है, MIM ने भी पहली बार BMC इलेक्शन 2017 में कदम रखा, क्या लगता है आपको कितना फर्क? देखिए, MIM तो जिधर बीजेपी का कैंडिडेट होगा उधर ही उतारेंगे। MIM का काम ही है कि वो लोग पैसा लेके अपना कैंडिडेट उतारते हैं, उसके लिए कोई दो राय नहीं हो। तो अभी आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे देख रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए लेके वो लोग टिकट देते हैं और एक टाइम आने का स्टेटमेंट, स्टेट पे चढ़ने का 10 लाख रुपए लेते हैं। ये कोई दो राय नहीं है, मेरे इधर भी ऐसा ही किया है उन लोगों ने। तो जिधर, और मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने काम किया है पब्लिक में, अपक्ष जीत के आया था, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। वो लोग कैसा दीन के नाम पे, ईमान के नाम पे मांगते हैं वोट, अल्लाह रसूल के नाम पे, लेकिन पॉलिटिक्स क्या अपन इमाम थोड़ी ढूंढ रहे हैं कि हम मस्जिद का इमाम ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे को अच्छा है मुल्ला उधर पे लेना चाहिए। पॉलिटिक्स है तो उसमें कोई जो काम करने वाला है वो आदमी चाहिए ढूंढने के लिए। ये लोग दीन इमाम का नाम लेके सिर्फ जवान लड़के लोगों को भड़काते हैं। इन लोगों ने क्या किया, कौम और मिल्लत का नाम लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौम और मिल्लत के नाम पर लोगों ने क्या किया वो बताओ। एक मदरसा खोला, किसी को कुरान हाफिज़ बनाया, मौलवी बनाया, क्या किया? सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे RSS करती है, वन साइड हिंदू, ऐसे लोग वन साइड मुस्लिम करते हैं। उसके वजह से जो गवर्नमेंट गिरी है ना कांग्रेस की, वो इनकी वजह है, क्योंकि 80% ये लोग है, 20% मुस्लिम है। ओपन बोल रहा हूँ, बराबर है। जिधर मुस्लिम सपोर्ट करते हैं उसकी सरकार बनती है, बराबर है। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग दोनों के चक्कर में मुस्लिम का सपोर्ट हटा दिए कांग्रेस से वोट काटने का। तो अभी सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी RSS? तो क्यों, वो वोट तो टूटते नहीं है मुस्लिम दस्ते में। ये लोग क्या डिवाइड एंड रूल, ये लोग तो इसके ऊपर बोले हैं सीधा सीधा मीडिया पे आज तक में बोले हैं स्वामी कि मुस्लिम तोड़ो और हिंदू जोड़ो, बराबर है। तो ये काम हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने लोग ऐसा नहीं सोचते। वो लोगों के वोट टूटते नहीं, हमारे वोट टूटते हैं। लेकिन फिर भी अभी बोल रहा हूँ कि चेहरा चलता है कॉर्पोरेशन में, जो काम किया है वो जीत के आएगा। ऐसे कौन से 3 काम है जो आप आने से पहले लोगों को बताना चाहोगे कि अगर आपको जनता चुन के देती है तो कौन से ऐसे 3 अहम काम है जो आप लोगों के सामने रखना चाहोगे? देखो, मेरा तो मुद्दा है कि जैसा जो एक बिल्डिंग में फैसिलिटी रहती है वो हमारे गांव में भी होना चाहिए, झोपड़पट्टी में भी होना चाहिए। जैसे खेलने के लिए बच्चे लोग को गार्डन हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी हो गई, ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो जो है कब्रिस्तान ठीक नहीं है। अभी मैं आने के बाद मैं इतना 2.5 साल में इतना काम किया जो 10 साल में नहीं हुआ, वो मैं इसके लिए चैलेंजिंग बोलता हूँ कि आगे 40 साल से बनाए क्या किए। मैं जो पढ़ा था वो स्कूल मैंने आज मैं बना रहा हूँ, तो कितना डिफरेंट है। तो इधर जो जो चीज़ एक बिल्डिंग में होती है, जिम होना चाहिए, औरत लोग लेडीज़ जिम होना चाहिए, बच्चे लोग के लिए जिम होना चाहिए, और जो खेल कूदने के लिए गार्डन होना चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए ना। मैं ये सब चाहता हूँ, जो एक बिल्डिंग में फैसिलिटी मिलती है, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ये सब इधर मेरे को मेरे गाँव में चाहिए। इधर से बाहर क्यों जाए, इधर क्यों नहीं? किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे? इलेक्शन BMC इलेक्शन 2017, देखो हमारी लड़ाई सिर्फ सेना से है, वो सपोर्ट MIM उधर कर रही है, वो पैसा लेके बिकी हुई है। सबको पता है कि जिधर जिधर सेना या बीजेपी खड़े रहती उधर ही वो लोग करते। तो पब्लिक को समझना चाहिए, अपील कर रहा हूँ कि भाई तुम कोई भी जीते, किसी को भी जिताएगा तो क्या काम करेगा, नगर सेवक का ही काम करेगा ना। मैं जितना काम करता हूँ एक्स्ट्रा कोई काम करेगा? कोई MP MLA हमारे को एक एम्बुलेंस फ्री नहीं दिया, मैंने एक एम्बुलेंस फ्री दिया। 1000 लोगों का, बच्चों का फीस भरता हूँ, 1000 लोगों को दवा दिलाता हूँ और ऑपरेशन है वो करते हैं। मतलब जितना काम हम लोग आधा उसका आधा भी देगा तो हम लोग उसके साथ में राशन बांटते 1000 लोगों को। तो ये मेरा 1 साल का टारगेट है, मैं इतना काम करता हूँ और अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से करता हूँ। अगर मेरा आधा भी कोई करेगा तो मेरा वोट भी उसको दूंगा। अपील ये है कि तुम किसी के बहकाने में मत आओ, जिससे आप एक फ़ोन पे मिल सकते हो, जिसकी ऑफिस है उसके लिए करो। आज 5 साल में किसी ने एक ऑफिस नहीं खोली, MP MLA ने ऑफिस नहीं, मिलते ही नहीं। मैं 5 साल हारने के बाद इधर ऑफिस खोला था और आज भी है, ये अभी बहुत ऑफिसें खुलेंगी, 15 दिन के बाद बंद हो जाएगी, फिर आप कहाँ ढूंढोगे? तो किसी के भयकाने पे, पैसे पे मत करो, जिससे आप काम करा सकते। मैं नहीं बोलता, मुझे ही जिसको आप चुन के दोगे आप उससे काम कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आपका मिस फ़ोन का जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया, घर पर नहीं मिले, तो वो आप चीज़ आपको सोचना है आगे के लिए
एक दिन आपको साइलेंस डे दिया जाता है सोचने के लिए, उस पर आप गलती मत करो, इतनी अपील है जनता से। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको आपकी सीधी लड़ाई किससे? सीधी लड़ाई सेना से ही है ना, और कौन है सीधी लड़ाई? बाकी सब पैसा दे के खड़ा किए, ओपन ओपन बोल रहा हूँ, इधर सिटी वाला खड़ा है वो पैसा लेके खड़ा है, फारूक भाई खड़ा है मोमबत्ती वो पैसा लेके खड़ा है, दूसरा एक जमात वाला खड़ा है सिलेट वाला वो पैसा लेके खड़ा है, नहीं तो अभी तक वो लोग क्यों नहीं? भाई लड़ता है आदमी अपने काम के ऊपर, ये लोगों ने इतने साल में क्या किया मेरे कौम, कौम की बात करते हो, गांव की बात करते हो, क्या किया मैं पूछना चाहूँ? इनको वोट क्यों दे पब्लिक? ये क्या क्या जाके बोलते हैं? फारूक भाई हारा तो 2.5 साल किधर था, पब्लिक से मिला, आज क्यों वोट देवे उनको? ये एक सवाल है कि नहीं, कि गलत बोल रहा हूँ? अभी मैं हारने के बाद 2.5 साल के बाद में तो रीइलेक्शन हो गया, तो मैं हारने के बाद इधर ऑफिस खोला तो आज तक है, अगर रीइलेक्शन नहीं होता तो मैं अभी तक रहता ही था ना, करता ही था ना काम के लिए या अपने गांव के लिए। जो भी अगर आ रहा है तो उसका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि तुमने क्या किया, पब्लिक का काम है वो पूछे हो कि क्या किया। इसमें कौन सा आदमी है बोलो सफ़ेद है जो मैंने BMC का पैसा नहीं खाया नहीं बोल सकता? मैं बोल सकता हूँ कि मैंने किसी का घर तोड़ा के पैसा नहीं लिया, पानी की पाइपलाइन नहीं बेचा। इनके साथ पूरा ये कैसा है, हमारे साथ बोले था वो चला गया काम छोड़ के, बोले मैंने उसको भगा दिया, वो कंप्लेंट डाल रहा है तुम सेटल कर लो, पानी का बोले वो 30,000-35,000 में बेच रहा मैं क्या करूँ वो ले लो। अरे नहीं होता है ना ऐसा, तुमने जिम्मेदारी ली है तो तुम खुद नहीं ले रहे हो तो लेने भी नहीं देना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। अगर मैं ये किया हूँ इसके लिए अगर कोई नाराज है तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरे गाँव का पैसा ना खुद खाया हूँ ना दूसरे को खाने दूंगा। अगर ये गलती है तो बोलिए आप लोग। गली से बात करने के लिए शुक्रिया।